द क्वेश्चन इज इफ टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 एंड एक्स लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, कोस x/2 एंड टेंजेंट x/2। हमें गिवन है जो एंगल है वो टेंजेंट एक्स है, यहाँ पर एक्स एंगल गिवन है, और जो एक्स है वो लाई कर रहा है बिटवीन पाई टू 3π/2। मीन्स ये एंगल जो है एक्स वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें वहाँ पर, अगर आप एंगल देखेंगे तो एक्स बाय टू है, तो पहले हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो एक्स बाय टू एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है, राइट। तो यहाँ से सिंस एक्स लाइज बिटवीन पाई टू 3π/2, तीनों ही टर्म्स को हम टू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ टू से डिवाइड करेंगे तो 3π/4 आएगा, राइट। यानी कि ये हमारे पास पोर्शन हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट का, 5/2 से 3π/4, 5/2 से ग्रेटर तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये 180 से लेस है, 2π से लेस, पाई से लेस है, तो ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है और टेंजेंट भी नेगेटिव होता है। तो जब हम अपना यहाँ पर इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर उनके साइन जो है कंसिडर करेंगे, राइट। सो अब देखो हमारे पास वैल्यू एक्स में है एंड हमें फाइंड करने हैं एक्स बाय टू में, तो ऑब्वियस है यहाँ पर हमें कोई आइडेंटिटी ऐसी यूज़ करनी पड़ेगी जो एंगल को हाफ करती हो। अब हमने साइन 2x, टेंजेंट 2x, कोस 2x सभी आइडेंटिटीज़ में पढ़ा है कि ये जो है एंगल को हाफ करने के लिए यूज़ होती हैं, 2 sin x/2, कोस x/2, टेंजेंट के लिए भी हमने पढ़ा है 2 tangent x/2 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी x, 1 minus of tangent square x, और cos के लिए हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़ हैं, तो उनमें से हम कोई भी यूज़ कर पाएंगे। तो इन तीनों में से सबसे जो ईजीएस्ट वे होता है वो cos 2x का होता है, मतलब cos 2x की आइडेंटिटीज़ जो हैं आपको बहुत आसानी से अप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर लोगे, इसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगी बट यहाँ पर ईजीली हो जाएगा। सो हम पहले हमें क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें पहले टेंजेंट x से cos x की वैल्यू फाइंड करनी है, cos x फाइंड करेंगे, देन उसके बाद हम ये एंगल हाफ पे जाएंगे। नाउ टेंजेंट एक्स दे रखा है 3/2, तो यहाँ से कॉस पे कैसे जाएंगे, आप टेंजेंट से सेकेंड स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज लगा सकते हैं, अदरवाइज पाइथागोरस का यूज़ करके वहाँ से भी हम कर सकते हैं, राइट। सो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर, 1 plus tangent square x इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर x, 1 plus 3/4 square इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x, 9/16, ये हो जाएगा हमारे पास 25/16, और इसका भी स्क्वायर रूट आएगा सीकेंट एक्स, मीन्स ये हमारे पास प्लस माइनस ऑफ 5/4 हो जाएगा सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स से हमारे पास कोस एक्स जो आएगा वो 4/5 होगा। तो अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एक्स एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो इसे हम माइनस का 4/5 लेंगे। नाउ कोस एक्स, जैसे अब कोस 2x की आइडेंटिटी होती है 2 cos square x - 1, यानी कि जो भी एंगल यहाँ है उसका हाफ हमारे पास यहाँ हो जाएगा, तो यही सेम आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं कोस एक्स में, कोस एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos square x/2 - 1, सो माइनस ऑफ 4/5 प्लस 1 को इधर लेफ्ट राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ले आए, 2 cos square x/2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/5 2 cos square x/2, 2 डिवाइड में ले आएंगे तो 1/10 cos square x/2। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास cos x बाई 2 की वैल्यू आ गई 1/√10, लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लेना है, तो यहाँ हमने देखा था कि जो एंगल एक्स है एक्स बाई 2 है वो कौन से क्वाड्रेंट में था, सेकंड में था, और उसमें ये नेगेटिव रहेगा, तो कोस एक्स बाय 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/√10। इसमें रीज़न आप यही लिख देंगे कि जो एक्स बाय 2 एंगल है वो हमारे पास π/2 and 3π/4 के बिटवीन लाई करता है। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज रह गई हैं बाकी, कोस हमने फाइंड कर लिया, कोस के बाद अब हम फाइंड करेंगे साइन। तो साइन फाइंड करने के लिए हम जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वो यूज़ कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1,
कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर की, 1/10 हो जाएगी यहाँ इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बाय टू 1 माइनस 1/10, 10 माइनस 1 9, 9/10 आ जाएगा ये, इसका भी हम स्क्वायर रूट कर देंगे तो साइन एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू 3/√10। और ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, ये हमारा पॉजिटिव था, साइन जो है वो पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। एंड द लास्ट वन इज टेंजेंट, टेंजेंट एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास साइन बाय कोस, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, साइन की वैल्यू आई है हमारे पास 3/√10 और कोस की है 1/√10, तो 1/√10 से 1/√10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 3 बचेगा हमारे पास, ये टेंजेंट एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू -3। तो ये तीनों वैल्यूज जो है हमारे पास आ चुकी हैं, टेंजेंट कॉस एंड साइन। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आप कोस निकाल लीजिए और कोस के बाद ये आइडेंटिटी आप यूज़ कीजिए, तो इजीली ये सम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।